नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 10th क्लास के छात्र छात्रा ध्यान दें कि हम और आप मिलकर लगभग 3 अध्याय हमारे पूरे कर चुके हैं और आज जो हमारा पाठ है काव्यकरण में चौथा पाठ है। अब चौथे पाठ में देखिए अब देखेंगे क्या है कि कवित्व और सवैया ये क्या है, छंदों के नाम है। मतलब कोई कवि है वो छंद में रचना करता है, कोई छंद से मुक्त रचना करता है, तो जो लिखने की शैली होती है यानी अक्षर कितने होंगे, कितने वर्ण होंगे, उसका जो हिसाब किताब रख के जो कवियों की लेखन शैली होती है तो उस शैली का तो खैर अलग होता है, लेकिन जो छंद में लिखी गई है क्या, तो कवित्व और सवैया क्या छंदों का नाम है, यानी इनके रूप में लिखी गई जो बातें हैं वो किसकी, तो देव जो हमारे सिलेबस में है तो देव नाम के एक कवि महोदय है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। तो ये जो देव है इन्होंने जो चौथा पाठ जिसका नाम यानी कवित्व और सवैया लिखी है, अब लिखा किसके बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा है, लेकिन उनका ये कवित्व और सवैया पाठ का नाम कैसे सकता है, पाठ का नाम देव लिखा लेकिन क्या लिखा, कवित्व और सवैया लिखा। अब ये क्या है, तो मैंने पता उसे मन हरण है, कवित्व है, सवैया है, ये छंदों के नाम है। तो इनकी जो रचना है उस रचना में जो पदों का व्याकरणिक दृष्टि से तोड़मोड़ किया जाए वो क्या है, इसके आधार पर कवित्व और सवैया तो आपको एक फायदा लेना ही आ सकता है। मैं कहता हूँ कि हमें तो हर चीज का फायदा लेना है, कैसे लेना है कि जब मान लो कि ये देव की पूरा पाठ हम पढ़ लेंगे, इनके जो पद होंगे तो उसमें ये कन्फर्म है कि एक जो हम विशेष बनाते हैं, प्रसंग बनाते हैं, भावार्थ लिखे, व्याख्या लिखते हैं, फिर नीचे विशेष आता है, विशेष की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा विशेष लिखते हैं उसमें एक बात क्लियर हो गई है कि जो पद आएगा जैसे आपने व्याख्या कर दी, उसमें क्या होगा कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, की जाना है। इसमें क्या है कि कवित्व और सवैया छंद चलते हैं तो उसके आधार पर व्याख्या की जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कि जो कवित्व सवैया लिखने वाले देव हैं ये इनका व्यक्तिगत जानकारी मिलेंगे और इनकी जो साहित्यिक जानकारी मिलेगी उसको हम कहते हैं कवि परिचय। तो ये क्या हमारे एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या तो ये किसी के चल रहे पत्ते खंड चल रहे, काव्य खंड चल रहे, गद्य का भी आता है, ऑप्शन आता है, आप उसमें दोनों में से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि ये कितना प्यार कर पाते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं। इसमें देखिए कवि परिचय, जो देव है, देव रीति काल के कवि थे। अब देखिए भक्ति काल, आधुनिक आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक काल, ठीक है, तो ये 4 भाग पहले से बटे हुए। आदिकाल बहुत पहले के समय था, एक टाइमिंग था उसमें 300-500 साल उसमें होते थे, तो आदिकाल, ठीक है, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, और फिर आधुनिक काल, तो 1900 के बाद में चल रहे हैं, यानी 1900 से लेके अब तक चलो क्या है आधुनिक काल है, तो ये उससे ठीक पहले कौन से रीति काल के, तो काल का समय होता है, जैसे हम जैसे मानते हैं ना कि AM कब से कब तक, BM कब से कब तक, ऐसे मानते हैं, उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, तो रीति काल में जो कवि कई बार आप देखते हैं जैसे भाई ये भक्ति काल की तुलसीदास जी भक्ति काल में माने जाते हैं, कबीरदास जी है तो उस भक्ति काल चले, उसी प्रकार से क्या है कि कुछ कवियों का जन्म का फिर उनके लेखन कार्य का टाइम का ये सब समय होता है, तो ये जो इस तरह से उनमें प्रसिद्धि लगी होती है ना उसको आप कंफ्यूज ना हो, प्रति नहीं समझें कि जो देव कवि हैं ये किस समय का कवि रहा होगा, किस समय इन्होंने रचना ऐसी होंगी, तो आप कैसे रीति काल के समय कवि हैं, ठीक है। तो देखिए देव रीति काल के कवि थे, एक बात तो क्लियर की रखने की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनका जो पूरा नाम देखिए ये भी अच्छी बात है, देव के नाम से प्रसिद्ध हो गए, लेकिन इनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त इनके नाम से ज्यादा, देवदत्त ही नहीं और कुछ आगे देखे देवदत्त द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी बोलते हैं ना, द्विवेदी लिखते हैं और द्विवेदी जी बोला जाता है, ये सरनेम हो जाता है। तो देव का पूरा नाम पूछे तो क्या बताएंगे, देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम है और वैसे इनको शॉर्ट में हम देव के नाम से जानते हैं, राइट। आगे चलते हैं, इनका जो जन्म है ये कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी काम देखिए कि उत्तर प्रदेश के इटावा, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, तो इटावा क्योंकि यहाँ पे इसके पास में जो हमारी हिंदी साहित्य अकादमी जो अकादमी बनी हुई है, हेड ऑफिस बने होते हैं ना साहित्य काशी, तो उसके आसपास का क्षेत्र है और ये जो हिंदी पेपर का जिक्र होता है इटावा का, तो इटावा में सन 1673 में इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनका जन्म 1673 में है, इटावा उत्तर प्रदेश में है कि इनका जन्म, क्योंकि व्यक्ति की जानकारी कर पूछ रहे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे तो इनका जन्म हुआ और ये देवसरिया, देवसरिया ब्राह्मण थे। अब जानते हैं कि ये उस जमाने के, आप जानते हैं कि यूपी बिहार और जम्मू कश्मीर जो ये हमारे उत्तरी राज्य होते भारत का, आप नक्शा पढ़ेंगे SST में देखना कि SST के आपके जो मैप मैप का 4-5 नंबर का आता है, तो जब भी आप मैप पढ़े ध्यान से पढ़े, ऐसा नहीं कि SST के लिए पढ़ रहे हो, उसमें सब कुछ आता है क्योंकि मैप के लिए
तो क्या करेंगे, जो उत्तरी राज्य है जैसे जम्मू जम्मू कश्मीर हो गया ऊपर ऊपर, ठीक है ना, फिर जैसे हिमाचल है उधर, उत्तराखंड है, फिर इधर नीचे है तो यूपी बिहार है, तो यूपी बिहार और ये जो होते हैं इधर ब्राह्मण जो होते हैं इनका बहुत प्रभाव था। और ये कहें कि जम्मू कश्मीर के जो पंडितों को तो बहुत प्रकांड विद्वान माना जाता है, उनके तो आप जानते हैं मूवीज बन चुकी है, कई लिखा भी जा चुका है, ठीक है। तो ब्राह्मण जो जाति होती है उसके भी कुछ अलग अलग उनके सरनेम होते हैं, उनके अलग अलग वर्ग बने होते हैं। तो ये क्या है, देवसर्य ब्राह्मण थे, ठीक है ना। चलिए तो ये कैसे थे देवसर्य ब्राह्मण थे, इस बात करते बात नहीं है, जिससे शुरू से बात करें कि देव जो है मध्य काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ है। और बात करें तो इनका जो पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी था, और ये देवसर्य ब्राह्मण थे। इसमें रखने की कोई बात नहीं, हम यू नो जिससे बातों बातों में इनको याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, तो ब्राह्मण थे। अब बात करें कि इन्होंने अपने जन्म के अपने बारे में कुछ लिखा है, तो ऐसा नहीं कि प्रशंसा के नहीं, एक दोहा बनाकर एक पंक्ति बना के या पुस्तक में लोग वाह करेंगे, क्या है कि दयो सरिया कवि देव को नगर इटावो वास, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में सब कुछ अपना जानकर दे दी। कैसे, देखिए दयो सरिया, तो दयो से बनाएंगे देव, ठीक है ना, तो देव तो हो गए ये, और सरिया का लेंगे इस तरह से, तो जो देव सरिया ने का नाम दिया था उनके जाति का भी जिक्र हो गया, देव सरिया कवि देव चित्रा है, और नगर नगर कौन से जगह का, इटावा के, इटावा इनका जन्म स्थान, अपने निवास किया है, इनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब कुछ सौंपी हुई है। लाइन है कि दयो सरिया कवि देव को नगर इटावो वास, ये एक लाइन हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आगे, देखिए इन्हें अपने जीवन काल में आश्रय के लिए भटकना, मतलब आप जानते हैं कि आजकल तो क्या है स्वतंत्र लेखन शुरू हो गए, ठीक है, आप जानते हैं कि से किसी भी संकाय से कुछ लोग क्या कर लेते हैं, हमें ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, बीकॉम बीएससी कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि माइंड का सेटअप चेंज हो जाता है कि भाई हमें लेखन कार्य में जाना, तो उसी सब्जेक्ट क्या करते हैं नेट पीएचडी कर लेते हैं, नेट और पीएचडी, ठीक है, एमएड भी कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन यू नो कि पीएचडी करने के बाद जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है ना, डॉक्टर लिखा जाता है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि पीएचडी करने के बाद में लोग लेखन यानी कि उन्हें भारत सरकार द्वारा लेखन का अधिकार मिल जाता है, तो अपनी बुक छाप लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, और ये शुरू से उसी बहुत ही कविता है या कोई भी गद्य है कहानी है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि आजकल स्वतंत्र लेखन है, तो अपने जैसे पब्लिकेशन बना लेते हैं किसी भी दुकानों से मिल करके, उसके बाद में उनकी खुद की कमाई का जरिए हो जाता है, और नाम भी होता है, दौलत सब कुछ मिलता है। लेकिन पहले क्या था कि ये जो लोग थे कविताओं में रचना कर रहे, संकलन कर रहे, उसके बाद में इन्हें कि पहले इतना मैटर आजकल टेक्निकल जो है पहले ऐसा नहीं था, तो राजा महाराज ही उस टाइम सबसे बड़ा एक कहो के पैसे स्रोत होता था, बाकी बस अनाज होता था, खाया पिया और बस जीवन मीटर समाप्त था। अब आगे जो आजकल तो जितने रुपये पैसे की कीमत होती है जानते हैं, तो राजा महाराजाओं के दरबार में इन्हें जैसे आज नौकरी के पीछे होते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी, उसी प्रकार से जो पहले राजा है उस राजा के दरबार में इन्हें जाना होता था, वहां अन्य कवि तो हो सकते हैं, अन्य भी तो भाई अच्छे वाचन करने वाले हो सकते हैं, तो उनके बीच में अपनी जगह बनानी पड़ती थी, ठीक है। तो फिर जैसे मान लो राजा के दरबार में ये पहले अपना भाई ऑडिशन देना से अपना बताते कि मैं इस तरह से हूं, मैंने ये लिखा है और ये सुन, इस तरह से सुनाया जाता था। और पहले राजा जो होते थे वो अपने मनोरंजन के लिए या कोई मतलब सूझबूझ के लिए इनको अपने कवि में दरबार में कवि के रूप में रखते थे, ध्यान रखना है। तो जैसे आप जानते हैं कि बहुत से कवियों को जैसे बिहारी जी उनको अपने जयपुर के जो स्वर्जय सिंह इनके दरबार में रहे, ठीक है, और जो भूषण जी हैं वो शिवाज जी के दरबार में रहे। ऐसे क्या है कि ये हमारे जो देवदत्त जी हैं ये आश्रय प्राप्त करने के लिए आश्रय को किसी राजा के दरबार में नियुक्त हो जाएंगे, वहां रचनाएं लिखते रहेंगे, राजा के निर्देशन में कार्य करते रहेंगे, और वहां पे इनका जीवन का भरण पोषण सब होगा, उन पर पैसा मिलेगा, नाम दौलत सब मिलेगी, रहने का सब बंदोबस्त होता है, उससे कहते हैं आश्रय में रहना। तो हम बात करें कि जो देव है इनके लिए आश्रय की एक समस्या आन पड़ी हुई कि अभी इनके आश्रय में रहे कैसे है, तो ये कहीं है कि आश्रय के लिए इनको भटकना पड़ा था। अच्छा अब जानते हो कि खोजने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, और ये तो एक भौतिक कार्य था, ध्यान दें ये दर बदर घूमते रहे राजाओं के पास जाते और अपना क्या भाई दिखाते कि मैंने ये लिखा है उसको बताते थे, लेकिन इन्हें सही जगह नहीं मिल पाई थी। तो अंत में आप जानते हो कि प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है,
आपको बता दूं मैं औरंगजेब जो मुगल सम्राट हैं, ठीक है, जिनका आपने शिवाजी के बारे में सुना होगा, बहुत अधिक औरंगजेब बहुत ताकतवर थे और शिवाजी को ये प्राप्त करना चाहते लेकिन शिवाजी हो नहीं पाए थे। अंततः आप जानते हैं कि अपने जयपुर के जो स्वजय सिंह जी हैं उन्होंने कूटनीतिक चाल के माध्यम से शिवाजी को उनके पास ले आए थे। वो तो औरंगजेब की बात का जिक्र कर दिया मैंने, आपको याद रखना कभी कभी काम आएगा कि टेंथ में काम आ जाएगा। तो ध्यान दें कि औरंगजेब का पुत्र था कौन था, आलम शाह, ये उस समय उनके बाद का ये राजा था आलम शाह। तो आलम शाह के दरबार में क्या मिल गया इनको, उस समय रहे मतलब आलम शाह के दरबार में जाकर इनको जगह मिली और वहां पर ये आपको बता दो शॉर्ट में कि देवदत्त जो है हमारे इनको अपने जीवन काल का जो यूं कहें इससे बड़ी नौकरी या आश्रय आश्रय के रूप में सबसे ज्यादा जो सुख मौज मिली या यूं कहें कि अच्छा दिन इनके निकले अच्छे दिन निकले वो कहने के लिए आलम शाह के दरबार में ही इनका सुख जीवन व्यतीत हुआ। उससे पहले कैसे रहे वो जिक्र नहीं किया गया लेकिन बताया नहीं गया है। बात का भी कहने का मतलब है ये जो हमारे देवदत्त जी हैं इनका जो कवि के रूप में जो दरबारी कवि बने हैं उसमें जो आश्रय प्राप्त हुआ था वो औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में बहुत लंबे समय तक इन्होंने आश्रय प्राप्त किया और इनका जो जीवन सुखी रहा ये ध्यान रखना बस। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा अब बात करें ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी, अगर अब बात करें साहित्य मतलब क्या लिखा कैसे लिखा तो इन्होंने बहुत सी रचनाओं का भाई संकलन किया है लिखा है लेकिन वह क्या कि जैसे कुछ विद्वान है वो कहते हैं कि इनकी कुल रचनाएं 52 ही मानी गई है। अब दूसरे कुछ विद्वान और आते हैं क्या कहते हैं कि नहीं साहब इनकी जो रचनाएं हैं 52 की बजाय बेहतर है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि 52 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं साहब इन्होंने बेहतर लिखी है। सर ये थोड़ा और इसको संशय में डालते क्या एक हमारे हिंदी साहित्य अकादमी ये किसी की हर चीज का एक ऑफिस होता है ऑफिस इस प्रकार से हिंदी के जो कवि होते हैं लेखक होते हैं सबसे ऊपर एक संस्था होती है साहित्य अकादमी वहाँ के एक अध्यक्ष थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार उनका नाम सुनिए आपने और ये तो अपने आप से क्या अगर साहित्य लेते तो बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी के युग है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट विशेषज्ञ रहे थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने तो ये कह दिया कि मात्र इनकी 25 ही रचना है जो हमें उपलब्ध हुई है जो मान्य है। तो ये रचना जो देवदत्त हैं देव हैं उनके बारे में क्या है कि इनकी रचनाओं के बारे में सबका मंतव्य अलग अलग है सबके विचार अलग अलग हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनकी रचनाओं की संख्या 52 है कुछ कहते हैं कि नहीं सब बेहतर है और कुछ क्या कहते हैं कुछ क्या केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानते हैं कि केवल रचना 25 ही मानी गई है। ठीक है तो ये इनकी रचनाओं के बारे में एक विडंबना है। देखिए ये तो इनके ऊपर साहित्य जानकारी है बात करें कि इन्होंने क्या क्या लिखा है जो हमें इनके बारे में जानकारी मिले तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इन रचना कौन कौन सी रचनाएं हैं तो मैं आपको इनकी रचनाओं का नाम बता रहा हूँ ठीक है और ठीक से ध्यान रखने आपको याद करनी है कौन कौन सी। देखिए पहले इनका नाम जो है देव है और देव की बात में देखिए क्या क्या लगाते हैं स्पेशल है कि भाव भाव बाद में लगाते हैं विलास तो भाव विलास विलास बार बार आपको मिलेगा भाव विलास इनकी रचना का नाम है। फिर है रस विलास ये भी रचना का नाम है भवानी विलास ये भी रचना का नाम है। तो तीन तो ये हो गए भरी जैसे भाव विलास रस विलास भवानी विलास तो तीन तो विलास गिलास नहीं मेरे बच्चों विलास बोल रहा विलास भवन की बात कर रहे हैं देखिए भाव विलास रस विलास भवानी विलास प्रेम तरंग कौन सा तरंग प्रेम तरंग जानते हैं तरंग सुख सागर तरंग सुख सागर तरंग ये पूरी रचना का नाम लेना था यहां से लेकर यह एक रचना सुख सागर तरंग। फिर है कि देव चरित्र चरित्र जानते हैं कि रामचरित मानस में भगवान राम का चरित्र है सारी बातें जन्म से लेकर अंत तक समय होता है तो यहाँ पे क्या है कि देव चरित्र से सब कुछ उनके बारे में लिखा गया है। फिर देव माया कौन सी माया देव माया फिर बात करें ये यहाँ पे देव माया अलग है प्रेम चंद्रिका ठीक कौन सी है प्रेम चंद्रिका। इसके अलावा एक रचना और भी हो सकती है जो अपने सिलेबस में यहाँ पे इस बुक में नहीं दी हो लेकिन ध्यान रखें कि आपको इनको तो याद रखना ही रखना है कि ऑलमोस्ट रचना है तीन दो से याद हो जाएंगे आपको ठीक है जैसे देव विलास सॉरी भाव विलास रस विलास भवानी विलास ये तीन तो वैसे वैसे याद हो जाएंगे भाव रस भवानी भाव रस भवानी आज विलास लगा दो भाव रस
भवानी विलास, इन तीनों की विलास अगर स्थिति सही फिर बात करें किसकी, प्रेम का तरंग, तो प्रेम तरंग हो जाएगा, फिर हो जाएगा सुख सागर तरंग, फिर हो जाएगा देव चरित्र, और फिर हो जाएगा देव की माया, और लास्ट में प्रेम चंद्रिका। तो ये रचनाएं हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हम पढ़ रहे हैं देव को, और देव ने कवित्व और सोहे छंद बनाए हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें कि ये तो केवल उस पाठ का तरीका है कैसे लिखा गया। अब सीधी बात पे आता हूँ कि ये हमारे जो दसवीं क्लास का जो फोर्थ लेसन है, इसमें क्या बताने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि ये क्या है कि भाई प्रभु श्री कृष्ण का ये भी यशोगान करते गुणगान करते हैं, तो उनके जो बचपन की अवस्था है, उस बचपन की अवस्था में आना के भी देखिए जिस तरह से पढ़ेंगे आपको चलिए देखा हो, तो ये भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, उसका एक मनोहारी वातावरण का वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। तो पाठ बहुत ही लाजवाब रहेगा, बहुत सुंदर मधुर रहेगा पाठ, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कवि परिचय है, कवि का जो परिचय है, आप इसे बार बार चला के देख लें, नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि इसके बाद क्या मिलने वाला हमारे को, इसके बाद हमारी जो पढ़ेंगे व्याख्या पढ़ेंगे कवि तो सवैसे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, लेकर इनके कुछ कवित्व सवैया, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।